पाकिस्तान के क्वेटा शहर में 18 शिया मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। शहर में जबरदस्त कशीदगी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। अक्वामे मुत्तहिदा ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। नाटो फौज ने लीबिया के सरकारी टेलीविजन की सैटेलाइट डिशेस को निशाना बनाया। बागियों के फौजी सरबराह की हलाकत के बाद कज़ाफी के मुखालिफीन में फूट पड़ गई। अमरीकी सेनेट में कर्ज की हद से मुतालक बिल मुस्तरद। बहरान की वजह से ओबामा की मकबूलियत सबसे निचली सतह पर आ गई। गयाना में हवाई जहाज के दो टुकड़े हो गए। 150 मुसाफिर करिश्माती तौर पर बच गए। इतवार को इस्तीफा दूंगा यदि यूरोपा ने दिलावा यकीन। कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए बीजेपी में जबरदस्त सरगर्मियां। कातिलाना हमले के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी पहली मर्तबा अवाम के दरमियान आए। कहा मुसलमानों की आंख से बहने वाले एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं फ़ासल और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में 18 शिया मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में जबरदस्त कशीदगी पाई जाती है। क्वेटा शहर में एक वाकये में 11 लोगों को हलाक किया गया, जिनमें एक औरत शामिल है। इसके अलावा इस हमले में 4 लोग जख्मी भी हुए। इन जख्मियों में भी एक औरत शामिल है। पुलिस ने बताया कि एक कार में सवार नामालूम लोगों ने क्वेटा की स्पिनी रोड पर एक सुजुकी वैन में सवार लोगों पर फायरिंग कर दी। इस वाकये के बाद पुलिस और नीम फौजी दस्ते मकाम पर पहुंच गए और इलाके को घेर लिया, जहां खौफ दहशत की लहर फैल गई। मकामी लोगों और मरने वालों के रिश्तेदारों ने इस वाकये पर एहतजाज किया है। मुतासरा लोग शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं और यह मामला शिया सुन्नी कशीदगी का है। एक तंजीम तहफ्फुज़े आज़ादारान काउंसिल ने इस वाकये के खिलाफ 40 दिन के सोग का ऐलान किया है। बरहम लोगों ने हॉस्पिटल के अहाते में खड़ी हुई 2 गाड़ियों को आग लगा दी और सड़कों पर टायर जलाए। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी ने इतवार को बंद का ऐलान किया है। इससे पहले जुमे की शाम क्वेटा में ही नामालूम लोगों ने ईरान जाने वाले 7 शिया जायरीन को फायरिंग करके हलाक कर दिया, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर झंगवी तंजीम ने कबूल की है। इससे पहले भी ईरान जाने वाले शिया जायरीन की बसों पर हमलों के कई वाकयात वहां पर पेश आ चुके हैं। क्वेटा शहर में 3 महीनों में ऐसे वाकयात में कम से कम 41 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने क्वेटा में फायरिंग के वाकयात पर अफसोस का इजहार किया है। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन पर फायरिंग करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। पाकिस्तान के कराची शहर में हफ्ते को फायरिंग के वाकयात में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के तजारती दारुल हुकूमत में पिछले कई दिनों से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और मुतासरा इलाकों में काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके बावजूद फायरिंग के वाकयात में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गीलानी ने कहा है कि कराची शहर में अमन मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तानी तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करते हुए उस पर पाबंदी लगा दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में कहा कि पाबंदियों से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के असासे फ्रीज करने के अलावा उन्हें हथियारों की फरोख्त और उसके लीडरों के सफर पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अमरीका पहले ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की अपनी फहरिस्त में शामिल कर चुका है। तहरीक के अमीर हकीमुल्ला महसूद को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। लीबिया में नाटो फौजों ने एक हवाई हमले में 3 सरकारी टेलीविजन सैटेलाइट ट्रांसमिशंस की डिशेस को नाकारा बना दिया है। नाटो ने कहा है कि इस हमले का मकसद कर्नल मुअम्मर कज़ाफी की तरफ से टेलीविजन के जरिए की जाने वाली तकरीरों को रोकना है। नाटो ने कहा कि यह हमला सोच समझकर किया गया और हमले से पहले इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कम से कम जानी नुकसान हो।
लीबिया के बागियों ने कहा है कि उनके फौजी सरबराह को एक मुस्लिम इंतहा पसंद लश्कर के अरकान ने हलाक किया है। बागियों के फौजी सरबराह अब्दुल फतेह यूनुस की हलाकत मुअम्मर कज़ाफी के खिलाफ काम करने वाली अपोजिशन के लिए एक धक्का है। 24 घंटे तक इस हलाकत के बारे में काफ़ी उलझन पाई गई, जिसके बाद बागियों के एक लीडर ने कहा कि उबैदा इब्न जराह ब्रिगेड के अरकान ने यूनुस को हलाक किया है। हालांकि ये जो ब्रिगेड है वो बागियों के साथ मिलकर काम करती रही है। इस हलाकत से कज़ाफी के मुखालिफीन के दरमियान फूट पड़ती नजर आ रही है। अब बात करते हैं सीरिया यानी मुल्क शाम की। सीरिया के कई शहरों में जुमे को एहतजाजियों पर फौज की फायरिंग में 20 लोगों के मरने की तस्दीक की गई है। ये हलाकतें हमास, होम्स, दरा, दीर, अलजोर, दमिश्क और अरज़किया शहरों में हुई। इंसानी हकूक की तंजीमों ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वालों पर फायरिंग की गई। दीर अलजोर शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 5 लोगों के मारे जाने के बाद बड़े पैमाने पर वहाँ एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए गए। इजिप्ट यानी मिस्र के एक साहली शहर में सैकड़ों मिलिटेंट्स ने यलगार कर दी और पुलिस और सिपाहियों के साथ झड़पें हुई, जिसके दौरान 7 लोग मारे गए। यह हमला अल एरिश शहर में किया गया। मरने वालों में 9 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इस बच्चे को उस वक्त गोली लगी जब वो अपने सेलफोन से तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था। 3 फौजी ऑफिसर्स भी मारे गए और 30 लोग जख्मी हैं। गयाना में एक हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया और उसके 2 टुकड़े हो गए, लेकिन करिश्माती तौर पर इस हादसे में कोई मारा नहीं गया, लेकिन बाज़ लोग जख्मी जरूर हुए। कैरेबियन एयरलाइंस का यह बोइंग हवाई जहाज न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था और इस जहाज पर 150 मुसाफिर सवार थे। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त एयरपोर्ट पर बूंदाबांदी हो रही थी। अमेरिका में कर्ज की हद बढ़ाने से मुतालिक रिपब्लिकन पार्टी का बिल सेनेट में मुस्तरद हो गया। हालांकि ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूर किया गया। अमेरिकी सेनेट में पेश किए जाने वाले इस बिल के खिलाफ 59 और उसके हक में 41 वोट डाले गए। कर्ज की हद बढ़ाने के मामले पर अमेरिका के अवाम सदर बराक ओबामा से काफ़ी नाराज हैं। यही वजह है कि ओबामा की मकबूलियत एक बार फिर अपनी कम से कम सतह को छू रही है। गैलप के एक सर्वे में कहा गया कि ओबामा की मकबूलियत 40% तक गिर गई है। इस दौरान बराक ओबामा ने कर्ज की हद के बारे में जल्द से जल्द सुलह करने का इशारा दिया है। अब देखते हैं कुछ नेशनल न्यूज। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने यकीन दिलाया है कि वो 31 जुलाई को यानी इतवार को इस्तीफा दे देंगे। रियासत में इस बारे में कयास आरायें की जा रही थी कि क्या वो इस्तीफा देंगे या नहीं। येदियुरप्पा के काबिनी साथी बसवराज बोम्माई और मुरुगेश निरानी ने एक तहरीरी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामानी बोर्ड में हमारे सीनियर लीडर्स के फैसले के मुताबिक मैं यानी येदियुरप्पा 31 जुलाई 2011 को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दूंगा। येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने ऐसा ही बयान से पहले भी दिया है, लेकिन वो दोबारा सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मीडिया का एक गोशा अवाम को गुमराह कर रहा है। बीजेपी की मरकजी लीडरशिप के सामने अपने मुतालबात के ताल्लुक से पूछे जाने पर येदियुरप्पा और उनके वफादार बोम्माई ने कहा कि बातचीत कामयाबी से आगे बढ़ रही है और बड़े सुकून से इक्तदार की मुंतकली अमल में आएगी। इस दौरान सीनियर बीजेपी लीडर्स अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के अमल के ताल्लुक से सलाह मशवरा तेज कर दिया है और नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के हवाले से ज़बरदस्त सरगर्मियां बीजेपी में देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ कमीशन ने मुसलमानों के खिलाफ जहरीला मजमून लिखने पर जनता पार्टी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। रियासत के माइनॉरिटीज़ कमीशन के नायब सदरनशीन अब्राहम मिथाई ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर अरुण पाठक को एक खत लिखते हुए कहा कि स्वामी के खिलाफ ताजिरात हिंद की दफ़ा 153A के तहत फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। अब्राहम मिथाई ने कहा कि ये मजमून समाजी एतबार से गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह इस्लाम दुश्मन है। ये तशवीश की बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी इजहार राय की अपनी आज़ादी का इस्तेमाल इस्लामोफोबिया को भड़काने के लिए कर रहे हैं। अब्राहम ने यह भी कहा कि जेलों में हिंदू दहशतगर्द भी हैं जिन्होंने उतने ही नफरत के काबिल जुर्म किए हैं। ये मज़मून 16 जुलाई को अखबार DNA में छपा था, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्लामी दहशतगर्दी को हिंदुस्तान का नंबर एक मसला करार दिया था। उन्होंने लिखा था कि 13 जुलाई के मुंबई दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना मुहासबा करना चाहिए। हिंदू इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि उन्हें इस तरह हलाल तरीके से मारा जाए।
उन्होंने ये भी लिखा था कि जुनूनी मुसलमान हिंदुस्तान को इस्लामी फतूहात का नामुकम्मल बाब समझते हैं। उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर कोई मुसलमान अपनी हिंदू विरासत को तस्लीम करता है तब हिंदू उसे अजीमतर हिंदू समाज यानी हिंदुस्तान का हिस्सा समझेंगे। क्या सलमान खान हैं बॉलीवुड के सबसे महंगे अदाकार? देखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में 18 शिया मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। शहर में जबरदस्त कशीदगी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। अक्वामे मुत्तहिदा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। नाटो फौज ने लीबिया के सरकारी टेलीविजन की सैटेलाइट डिशेस को निशाना बनाया। बागियों के फौजी सरबराह की हलाकत के बाद कज़ाफी के मुखालिफीन में फूट पड़ गई। अमरीकी सेनेट में कर्ज की हद से मुतालक बिल मुस्तरद। बहरान की वजह से ओबामा की मकबूलियत सबसे निचली सतह पर आ गई। गयाना में हवाई जहाज के दो टुकड़े हो गए। 150 मुसाफिर करिश्माती तौर पर बच गए। इतवार को इस्तीफा दूंगा यदि यूरोपा ने दिलावा यकीन। कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए बीजेपी में जबरदस्त सरगर्मियां। कातिलाना हमले के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी पहली मर्तबा अवाम के दरमियान आए। कहा मुसलमानों की आंख से बहने वाले एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लेजिस्लेचर पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी उन पर कातिलाना हमले के बाद पहली मर्तबा अवाम के दरमियान आए। हफ्ते को सुबह उन्होंने MIM पार्टी के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में स्कूली बच्चों में बैग्स की तकसीम की एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की दुआओं की वजह से उन्हें नई जिंदगी मिली है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जज्बाती अंदाज में कहा कि उन पर होने वाले कातिलाना हमले से अवाम को जो तकलीफ हुई है और मुसलमानों ने जो आंसू बहाए हैं उस एक एक आंसू का वो हिसाब लेंगे। उन्होंने कहा कि उन पर हमले और सेहतयाबी के बाद उनका अज़्म और हौसला 100% बढ़ गया है। मजलिस के नौजवान लीडर ने कहा कि वो बारकस इलाके में 70 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर गरीबों के लिए मकानात की तामीर को यकीनी बनाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के दौरान उनके चाहने वालों और मजलिस के कारकुनों ने कई मरतबा नारे लगाए। अकबरुद्दीन ओवैसी पर बारकस में 30 अप्रैल को कातिलाना हमला किया गया था। उन सारे मुखालिफीन वो मीर जाफर की औलादों को खबरदार करता हूं कि अभी अकबर ओवैसी जिंदा है। जमात और गयूरों की जमात
ایک ایسے وقت جبکہ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہونے کے لیے اب کچھ ہی وقت بچا ہے، اے آئی سی سی جنرل سیکرٹری اور آندھرا پردیش میں کانگریس امور کے انچارج غلام نبی آزاد نے تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ اپنے استعفے واپس لے لیں۔ غلام نبی آزاد سے یہ ارکان پارلیمنٹ اگست کی پہلی تاریخ کو یعنی پیر کے دن ملاقات کریں گے۔ سونے کی قیمتوں میں 150 روپے کا اضافہ ہوا اور ہفتے کو دہلی کے صرافہ بازار میں سونے کی قیمت 23,620 روپے فی تولہ کے ساتھ اپنی ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی خریداری کے رجحان میں کافی اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چاندی کی قیمت میں بھی 600 روپے کا اضافہ ہوا اور وہ ہفتے کے دن 58,600 روپے فی کلو گرام پر پہنچ گئی۔ ترکی کی فوجوں کے سربراہوں نے کئی مقدمات میں فوجی آفیسرز کو جیل بھیجنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد حکومت نے ملک کی زمینی فوج کے لیے نئے سربراہ کا تقرر کیا۔ ناروے میں بم دھماکے اور یوتھ کیمپ میں فائرنگ میں مارے جانے والے لوگوں کی یاد میں مسجد اور چرچ میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ سینکڑوں لوگوں نے اس موقع پر یکجہتی کے اظہار کے لیے مسجد سے چرچ تک کا سفر کیا۔ پچھلے جمعے کو اسلام کے دشمن عیسائی دہشت گرد کے حملوں میں مارے جانے والے لوگوں میں 2 مسلمان بھی شامل تھے۔ 18 سالہ بانو راشد اور اسماعیل حاجی احمد کے لیے اوسلو کی جامع مسجد میں دعائیہ تقریب رکھی گئی، جس میں ناروے کے وزیر اعظم جینس سٹالٹنبرگ اور ناروے کے آرچ بشپ نے بھی شرکت کی۔ اسلامک کونسل آف ناروے کے سیکرٹری جنرل مہتاب افسر نے بتایا کہ اس ریلی کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مذہب، تہذیب اور رنگ و نسل کے باوجود تمام انسان ایک ہیں اور مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود ناروے کے سماج کا لازمی حصہ ہیں۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں ڈرون حملوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کونسل کے عہدیدار ریٹائرڈ جنرل ڈگلس لیوٹ نے ایک سیکیورٹی فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ القاعدہ کو امریکہ فیصلہ کن دھکا پہنچا چکا ہے اور اب صرف ناک آؤٹ پنچ لگانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایمن الزواہری اور القاعدہ کے 3-4 دوسرے بڑے لیڈرس کو ہلاک کیا جاتا ہے تو القاعدہ کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ویتنام میں جوتوں کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے کم 17 لوگ مارے گئے۔ ہائی پھونگ شہر میں ہونے والے اس حادثے میں 21 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ بتایا گیا کہ ایک ویلڈنگ مشین سے عمارت کی چھت کو آگ لگی۔ مرنے والوں میں 10 عورتیں شامل ہیں۔ کبھی مس انڈیا، کبھی مس ورلڈ، تو کبھی مس یونیورس۔ آج کل لڑکیوں کے مقابلے حسن کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب بکریوں کے حسن کے مقابلے بھی ہونے لگے ہیں۔ جارڈن کے دارالحکومت عمان میں پہلی بار بکریوں کا مقابلہ حسن ہوا، جس میں بکریوں کو سجا سوار کر ججز کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس مقابلے میں الشامی نسل کی بکریوں نے حصہ لیا، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں خاص حیثیت رکھتی ہیں۔ ان بکریوں کی قیمت $25,000 تک ہوتی ہے۔ اس مقابلے میں سعودی عرب اور دوسرے عرب اور خلیجی ملکوں کی بکریوں نے اپنے حسن کے جلوے بکھیرے، جس میں سے ایک بکری کو سب سے خوبصورت بکری کا ٹائٹل دیا گیا۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان نے باکس آفس پر اپنی حالیہ کامیابیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فیس بڑھا دی ہے اور وہ بالی ووڈ کے سب سے مہنگے اداکاروں میں سے ایک بن گئے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے مہنگے اداکار بن گئے ہوں۔ عامر خان اور شاہ رخ خان بھی اپنی باکس آفس پر کامیابیوں کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے میں سلمان کہاں پیچھے رہنے والے ہیں۔ دبنگ اور ریڈی کی شکل میں اپنی مسلسل 2 کامیابیوں کے بعد سلمان نے اپنے اگلے پروجیکٹ کے لیے 50 کروڑ روپے لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک سلمان خان ایک فلم کے لیے 40 کروڑ روپے لیتے تھے۔ مشہور منا بھائی جوڑی سنجے دت اور ارشد وارسی کو تیسرے حصے سے نکالا جا رہا ہے اور نئے چہروں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ منا بھائی سلسلے کی آنے والی فلم منا بھائی چلے امریکہ کو فی الحال روک دیا گیا ہے اور ایک نئی اسکرپٹ پر کام کیا جا رہا ہے۔ ایسا سمجھا گیا کہ سنجے دت اور ارشد وارسی کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے اور اس فلم کی تیاری میں اور 2 سال لگیں گے اور تب تک وہ اور زیادہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ منا بھائی ایم بی بی ایس اور لگے رہو منا بھائی کو ڈائریکٹ کرنے والے راج کمار ہیرانی بھی تیسری فلم کو شاید ڈائریکٹ نہیں کریں گے۔ اخبار ممبئی مرر نے قریبی ذرائع کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر پیش ہیں۔ پاکستان کے کوئٹہ شہر میں 18 شیعہ مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ شہر میں زبردست کشیدگی۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔
नाटो फौज ने लीबिया के सरकारी टेलीविजन की सैटेलाइट डिशेस को निशाना बनाया। बागियों के फौजी सरबराह की हलाकत के बाद कज़ाफी के मुखालिफीन में फूट पड़ गई। अमरीकी सेनेट में कर्ज की हद से मुतालक बिल मुस्तरद, बहरान की वजह से ओबामा की मकबूलियत सबसे निचली सतह पर आ गई। गयाना में हवाई जहाज के दो टुकड़े हो गए, 150 मुसाफिर करिश्माती तौर पर बच गए। इतवार को इस्तीफा दूंगा यदि यूरोपा ने दिलावा यकीन, कर्नाटक में नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए बीजेपी में जबरदस्त सरगर्मियां। कातिलाना हमले के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी पहली मर्तबा अवाम के दरमियान आए, कहा मुसलमानों की आंख से बहने वाले एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। इतिहास की खबरें अब फरासत को इजाजत दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।